मिश्रा जी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आजादी के 75 वर्ष और साथ ही साथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस श्रृंखला में आज बात करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर जो भारत में जो उस समय जो एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशन हुए या जो अतिवादी क्रांति हुई उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में 1885 में और उसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उन्हीं के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 और 1905 से लेकर 1919 तक का जो फेज है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण दौर माना जा सकता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उसके बाद कुछ समय तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग थे वो थोड़े से नरमवादी थे। जैसे उसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले, उसमें थे दादा भाई नौरोजी और इस तरह के जो व्यक्तित्व के लोग थे। तो उनका यह प्रयास रहता था कि अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश लोगों के साथ बातचीत करके, उनको ज्ञापन देकर, मेमोरेंडम देकर, एप्लीकेशन देकर जो भारतीय लोगों की जो समस्या है उसका हल किया जाए। तो यह दौर लगभग 1905 तक चलता रहा और उस दौर को कुछ आलोचकों ने पॉलिटिकल मेंडिकेंसी का ही दौर कहा है, यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक भिक्षा वृत्ति का दौर कहा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो गरम दल के लोग थे, उनका यह मानना था कि इस तरह से भारत को तो स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता है। इसी बीच 1905 में एक बड़ी घटना हुई। 1905 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया, क्रियान्वित कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है वो जो आज के हिसाब से जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल का हिस्सा समझ लीजिए, और जो वर्तमान का हमारा बंगाल जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल समझ लीजिए। तो इस तरह से विभाजन हो गया। और उस समय लॉर्ड कर्जन थे और भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, और उन्होंने कहा कि भाई हमने प्रशासनिक कारणों से जो है इसे विभाजित किया, लेकिन हकीकत कुछ अलग थी। हकीकत ये था कि बंगाल जो था उस समय क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बिंदु था, तो इसीलिए उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। और दूसरी चीज यह थी कि हिंदू और मुस्लिम एकता के कारण अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए एक वो क्षेत्र जिधर मुस्लिम ज्यादा थे वो पूर्वी बंगाल बना दिया, और एक वो क्षेत्र जहां हिंदू ज्यादा थे वहां पश्चिमी बंगाल बना दिया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि इस बंगाल विभाजन के कारण भारत में राष्ट्रवाद का दौर जो है और तेजी से बढ़ा। पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का दौर शुरू हो गया। पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का दौर शुरू हो गया। और इसी दौर में हमारे प्रिय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो है, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया है, यह उसी दौर में लिखा गया था। और इसका उद्देश्य था कि हमारे बंगाल को विभाजित करके अंग्रेजों ने कितना बड़ा अपराध किया है और देश को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से यह घटनाक्रम चलता रहा। 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग जो प्रस्तुत की गई वो 1906 में स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। और 1907 में यह हुआ कि अभी कांग्रेस के लोगों के बीच थोड़ा सा विभाजन शुरू हो गया था। कुछ लोग थे जो गर्म विचारधारा के थे वो गर्म दल का समर्थन करते थे, एक्सट्रीमिस्ट क्लास के थे। कुछ दो थे वो नरम दल मॉडरेट क्लास के थे। तो 1907 में ये हुआ कि 1907 में जिसको बोलते हैं सूरत में जो कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, एक हो गया नरम दल और दूसरा हो गया गरम दल। वैसे इस कांग्रेस के इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन वो कांग्रेस के विभाजन को रोक नहीं पाए और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल।
अब यहां से एक बड़ी मतलब महत्वपूर्ण दौर शुरू हो जाता है और हम कह सकते हैं कि 1907 से लेकर 1919 तक 1907 to 1919 बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है और ये क्रांतिकारी आंदोलन का दौर था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ा और इसमें हिंसात्मक गतिविधियां भी जो है तेजी से बढ़ी। तो आइए देखते हैं क्या क्या घटनाक्रम हुआ। तो देखिए हेमचंद्र कानून गो का नाम जरूर ध्यान रखिए। इन्होंने 1908 में कलकत्ता में जो है एक मनिक तल्ला करके जगह है वहां पर क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बम बनाने का एक कारखाना तक स्थापित कर लिया। नाम है इनका हेमचंद्र कानून गो। इनके हिम्मत की जवाब देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का नाम इसलिए अविस्मरणीय है कि इन्होंने जो है एक मुजफ्फरपुर जो बिहार में जगह है ब्रिटिश जज और मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड की गाड़ी के ऊपर बम फेंका। ये दुर्भाग्य की बात है कि बम किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर नहीं गिरा और वो किसी अन्य गाड़ी पर गिरा जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई थी। लेकिन इनकी हिम्मत की जवाब देनी पड़ेगी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इस घटना में खुदीराम बोस को पकड़ा गया और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो उन्होंने अपने आप को स्वयं को ही मार दिया। और ये दोनों ही बच्चे थे। इनकी उम्र खुदीराम बोस तो केवल 18 साल 8 महीने के व्यक्ति थे, बच्चे थे, केवल 18 साल मान लीजिए आप। और 18 इयर्स के एज में इनके अंदर इतना क्रांतिकारी विचारधारा था देश को स्वतंत्र कराने के लिए और उन्होंने जो है हंसते हंसते जो है फांसी पर ये झूल गए। और इन्हीं लोगों की कुर्बानियों ने भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में मील का पत्थर जो है साबित हुआ। खुदीराम बोस का जिक्र हमने किया यहां पर। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने अनुशीलन समिति नाम एक संगठन बनाया, अनुशीलन समिति। और जानते हैं इनका उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अगर ब्रिटिश हमारे ऊपर हमला करेंगे, अगर ब्रिटिश हमें मारेंगे तो हम भी उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह इस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने अपने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को एक संगठनात्मक रूप दिया। 1893 में 1893 में उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की और लोगों को इनवाइट किया, लोगों तक पहुंचाया मैसेज कि आइए संगठित होकर के विचार विमर्श कीजिए, गणेश भगवान की भी प्रार्थना कीजिए और देश को कैसे स्वतंत्र करना है इसके बारे में विचार कीजिए। शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में लोकमान्य तिलक के प्रयासों से हुई। और इतना ही नहीं, 1897 में प्लेग कमिश्नर थे रैंड और आर्म्स्ट, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये गोली मारकर हत्या करने वाले कौन थे? चापेकर बंधु, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। यानी चापेकर बंधुओं ने रैंड और आर्म्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि ये जो प्लेग कमिश्नर थे, जब प्लेग फैला हुआ था 1897 में पुणे बंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में, लोगों के घरों में घुसकर उनके साथ बदतमीजी करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और इस दुर्व्यवहार से ये त्रस्त हो गए थे और बदला लेने के लिए उन्होंने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। इसके अलावा विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर 1901 में नासिक में एक मित्र मेला नामक संस्था का गठन किया जो बाद में अभिनव भारत नामक संस्था के रूप में विकसित हुई। और इसी संस्था के एक सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के न्यायाधीश जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। नासिक के जो न्यायाधीश थे जैक्सन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को भी फांसी दे दी गई। अगर केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो काफी तेजी से सक्रिय हो गया था। मैं यहां पर 3 जगहों का जिक्र करूंगा। पहले काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से दिसंबर 1915 में
एक अस्थाई सरकार का गठन किया, एक अस्थाई सरकार का गठन किया और उस अस्थाई सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए बरकतुल्लाह, और वही बरकतुल्लाह के नाम से आज भोपाल में एक यूनिवर्सिटी भी है जिसे हम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ये बरकतुल्लाह का नाम जो है इसलिए बहुत फेमस हुआ, इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वो उस अस्थाई सरकार जो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापित किया, उस महेंद्र प्रताप द्वारा स्थापित और अस्थाई सरकार में ये पहले प्रधानमंत्री थे। लंदन में बात करें तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इसे बाद में इंडिया हाउस के नाम से भी जाना गया। बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे इसके लाला हरदयाल, मदन लाल धींगरा, विनायक दामोदर सावरकर, इसके सब सदस्य थे और एक से एक क्रांतिकारी इसके मेंबर बनते चले गए। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो ये मिशन शुरू किया गया, ये बहुत ही जबरदस्त मिशन था। 1 जुलाई 1909 को ऑन 1 जुलाई 1909 भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे, उनका नाम था विलियम हंट कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या इसी संस्था के सदस्य जिनका नाम था मदन लाल धींगरा ने कर दी। ये लोग डरते नहीं थे कि फांसी होगी या जो भी होगा, और उन्होंने जो है कर्जन वाइली की हत्या कर दी और क्रांतिकारी आंदोलन को लंदन यानी कि इंग्लैंड में भी पहुंचा दिया। लाला हरदयाल जो है उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में जाकर यूएसए में जाकर गदर पार्टी की स्थापना की और इस गदर पार्टी ने गदर नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया और इस गदर नामक पत्रिका में जो है राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तमाम विचारधारा जो है इसमें पब्लिश किया जाता था। अब जब अंग्रेजों ने देखा कि यह क्रांतिकारी आंदोलन रुक ही नहीं रहा, हाँ इस बीच में देखिए, इस बीच में दो और चीजें हुई हमारे देश में और वो बहुत महत्वपूर्ण है जो आज भी प्रासंगिक है। 1896 में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, जो हमारा राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग है, कलकत्ता अधिवेशन में उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्ला सयानी और पहली बार वहां पर जो है वंदे मातरम को गाया गया। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और 1911 ये भी कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है नेशनल एंथम गाया गया और इस कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण धर। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जिसमें जनगण मन गाया गया उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण धर। तो ये भी मील का पत्थर साबित हुआ और आज भी हमारे देश के लिए ये एक जो हमारा प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रभक्ति का एक वरदान कह सकते हैं। 1909 ईस्वी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उन्होंने एक रिफॉर्म लाने की बात कही जिसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ देना क्योंकि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी, क्रांतिकारी आंदोलन निरंतर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के माध्यम से धर्म के आधार पर पहली बार भारत में पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था लाई गई और इस समय लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे और उन्होंने इस बात को जो है बिल्कुल स्थापित करने की कोशिश की बड़ी तरीके से कि कैसे भी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया जाए और उसमें वो कामयाब भी रहे क्योंकि इसी के बाद फिर मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बन गई जो बाद में भयंकर सांप्रदायिकता के रूप में तब्दील हो गई और आज जो पाकिस्तान है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसी सेपरेट इलेक्टोरेट का परिणाम है। इतना ही नहीं, 1911 में दिल्ली में जब सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी आई थी तो उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था और उसमें भी उन्होंने चाल चली। उन्होंने देखा कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजधानी परिवर्तित कर दी। उन्होंने राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी कि कलकत्ता से हम जो है राजधानी को दिल्ली ले जाएंगे, और 1912 में इसे उन्होंने क्रियान्वित भी कर दिया। तो इस तरह से पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था, वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश भी अपनी पूरी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन लोकमान्य तिलक भी प्रयास में लगे हुए थे। उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की, और उन्हें कहा कि देखो आप हमें स्वतंत्र करो और आप हमें गाइड करो, क्योंकि अब हम सक्षम हैं हम अपने शासन को चलाने के लिए। और इस तरह से होम रूल लीग की स्थापना के माध्यम से स्वशासन की बात, सेल्फ रूल की बात लोकमान्य तिलक ने शुरू की। उनकी मदद के लिए आई एनी बिसेंट ने मद्रास के अडयार में होम रूल लीग की एक शाखा खोली, और इस तरीके से संवैधानिक तरीके से स्वशासन की बात लोकमान्य तिलक और एनी बिसेंट ने की। लेकिन अंग्रेजों को यह भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई, और उसके आधार पर एक जो है एक्ट बनाया, कानून बनाया, और उस कानून को भारत में लागू किया। क्या कानून था रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसे अगर संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया तो वो कहीं अपील भी नहीं कर सकता, ना वकील भी नहीं रख सकता। तो विदाउट अपील, विदाउट वकील, विदाउट दलील उसको पुलिस जो है गिरफ्तार करके कहीं भी रख सकती। ये राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की एक चाल थी, और इसी के विरोध में पूरे देश में जो है लोग जो है नाराज थे, और जगह जगह सभाएं हो रही थी, जगह जगह विरोध हो रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध के स्वरूप ही पंजाब में भी गतिविधियां चल रही थी। पंजाब के जालियांवाला बाग में, जैसा आपको पता होगा, जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, इसलिए इसे अमृतसर की घटना भी कह सकते हैं। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लगभग 20,000 और उससे भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, और वो विरोध कर रहे थे उनके लोकप्रिय नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया था, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, और उस गिरफ्तारी के विरोध में वो एक सभा कर रहे थे। और उस सभा में ये घटना घटी कि वहां पर जो अमृतसर के जो पुलिस अधिकारी थे, जिनका नाम था आर डायर, उन्होंने जो है लोगों को बिना चेतावनी दिए ही पुलिस को गोली चलाने के आदेश दे दिए, और लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। और इस घटना में अगर हम गैर सरकारी आंकड़े देखें तो 1,000 लोग मारे गए, 3,000 लोग घायल हुए। सरकारी आंकड़ा वैसे कम है, सरकारी आंकड़ों में 379 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हुए, लेकिन सरकारी आंकड़े ही होंगे। तो हमें तो यही मानना होगा कि 1100-1200 लोग जो है इस घटना में मारे गए, घायल हुए। और उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर जो है, उन्होंने इस घटना की आलोचना या भर्त्सना या निंदा करने के बजाय आर डायर का समर्थन किया, और कहा कि भाई वो परिस्थितियों के अनुरूप उसने कार्रवाई की। इससे भी पूरे देश में नाराजगी फैल गई। गांधी जी जो कि अभी तक ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करने का प्रयास करते थे कि भाई अगर हम इन्हें मदद करेंगे, अभी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, अगर हम इनकी मदद करेंगे तो हो सकता है कि विश्व युद्ध के बाद ये हमें स्वतंत्र कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी भी नाराज हो गए, और इसी के बाद उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अपना जो है शुरू किया। तो यहां पर अब इसकी जांच के लिए कमिटी बनाई गई। तो देखिए दो तरह की कमिटी बनी, एक कमिटी ब्रिटिश सरकार ने बनाई, वो कमिटी थी हंटर कमिटी के नाम से, उसमें भी 3 भारतीयों को रखा गया। लेकिन दूसरी एक कमिटी कांग्रेस ने खुद बनाई कि भाई हम भी जांच करेंगे कि आखिर क्या हुआ, और उस कमिटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय के अलावा गांधी जी और मोतीलाल नेहरू भी उस कमिटी में रखे गए। और भी मेंबर्स थे, मैं सारे मेंबर्स का नाम यहां नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन और भी मेंबर्स थे। तो इस तरह से जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत ही
ऐसी घटना है जिसने पूरे देश के लोगों को आंदोलित कर दिया और इस तरह से गांधी जी के स्वभाव, उनकी प्रकृति और कार्य प्रणाली में भी बदलाव आया और उसके बाद गांधी जी ने जो है एक बड़ा आंदोलन, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, उसकी शुरुआत की। इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में। अगर आपको ये हमारा वीडियो, हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।